हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ की उन 15 फिल्मों के बारे में जिन्होंने यूट्यूब पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू क्रॉस कर लिया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 15वें नंबर पर है थेरी। थेरी 2016 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको नज़र आएंगे जोसेफ, विजय और समंथा। इस मूवी ने यूट्यूब पर अभी तक 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में इसी नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो 14वें नंबर पर है ये उड़ू 3। 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांस फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे पवन कल्याण और कृति सुरेश। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 104 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में इसी नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगी। 13वें नंबर पर एसीपी शिवा। 2017 में रिलीज हुई तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे राघवा लॉरेंस एंड निक्की गुलरानी। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 105 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। ये मूवी आपको हिंदी में एसीपी शिवा के नाम से मिल जाएगी। 12वें नंबर पर है नीला टिकट। 2018 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे रवि तेजा और मालविका शर्मा। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 107 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में इसी नाम से मिल जाएगी। 11वें नंबर पर है लाई। 2018 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे नितिन एंड मेघा आकाश। इस फिल्म के यूट्यूब पर अभी तक 118 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में इसी नाम से मिल जाएगी। 10वें नंबर पर है राम की जंग। 2010 में रिलीज हुई तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे रामचरण एंड जर्नीला डिसूजा। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 119 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में राम की जंग इसी नाम से मिल जाएगी। 9वें नंबर पर है द सुपर खिलाड़ी 3। 2016 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में है आपको नज़र आएंगे राम पोथिनी एंड कृति सुरेश। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 130 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में इसी नाम से मिल जाएगी। 8वें नंबर पर है दमदार खिलाड़ी। 2016 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन रोमांस फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे राम पोथिनी एंड अनुपमा परमेश्वरम। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 130 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में दमदार खिलाड़ी इस नाम से मिल जाएगी। 7वें नंबर पर है दिलवाला। 2017 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में नज़र आएंगे राम पोथिनी एंड अनुपमा परमेश्वरम। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 133 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में इसी नाम से मिल जाएगी। 6वें नंबर पर है द रिटर्न ऑफ रिबेल। द रिटर्न ऑफ रिबेल 2012 में रिलीज हुई रिबेल का सीक्वल है। 2014 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी 152 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में द रिटर्न ऑफ रिबेल के नाम से मिल जाएगी। टॉप 5 बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू कर। तो 5वें नंबर पर है जया जानकी नायिका यानी कि खूंखार। 2017 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में नज़र आएंगे साई श्रीनिवास बेलमकुंडा एंड रकुल प्रीति सिंह। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 158 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में खुखार नाम से मिल जाएगी। 4वें नंबर पर है अ आ। 2016 में रिलीज हुई तेलुगु कॉमेडी रोमांस फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नज़र आएंगे नितिन एंड समंथा। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 168 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको हिंदी में यूट्यूब पर अ नाम से ही मिल जाएगी। 3रे नंबर पर है इंस्पेक्टर विजय यानी कि कवचम।
2018 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे साई श्रीनिवास बेलमकुंडा। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 170 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको इसी नाम से मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पर आपको पता ही होगा डीजे। हाँ, दूसरे नंबर पर है डीजे। 2017 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 190 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मूवी आपको यूट्यूब पर डीजे नाम से मिल जाएगी। और नंबर वन पर है सराय नोडू। हाँ, 2019 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे अल्लू अर्जुन और रकुल प्रीति सिंह। इस फिल्म ने यूट्यूब पर अभी तक 230 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यूट्यूब पर हिंदी में इसी नाम से मिल जाएगी। इन सारी फिल्मों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मेरे से कोई मूवी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।